हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना। रीना अथर्वा चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पेरेंट्स, मेरा और एक न्यू चैनल है रीना अथर्वा ब्लॉग, उसमें अथर्वा की लाइफ स्टाइल की वीडियो मिलेगा, वो भी आप लोग सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। और देखते रहिए अथर्वा की लाइफ स्टाइल, सपोर्ट कीजिए अथर्वा को। और आप लोग के सपोर्ट के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और आज जो एक्टिविटी मैं लेके आया, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है ये। मतलब इस टाइम अथर्वा के साथ मेरा बहुत ही डिफिकल्ट टाइम था। कैसे मैंने अथर्वा को सोशल कम्युनिकेशन सिखाया, मतलब सामाजिक जोगाजोग कैसे सिखाया, लोगों को कैसे पहचान करवाया, मामी पापा को कैसे पहचान करवाया, अपना रिलेटिव, अपना पड़ोसी सबको कैसे मैंने पहचान करवाया था, उसके ऊपर मैं एक्टिविटी कैसे किया था। ये मेरे को जो एक्टिविटी है ये स्पीच थेरेपिस्ट और स्पेशल एडुकेटर दोनों ने मुझे दिया था। तो इसके ऊपर मैं कैसे काम किया और कितने दिन बाद अथर्वा मुझे पहचाना, उसके ऊपर मैं वीडियो बना के दिखा रही हूँ। उस टाइम बहुत ही मुश्किल था अथर्वा को, अथर्वा ना मम्मी को पहचानता था ना पापा को, मतलब अपना घर में किसी को भी, अपना रिलेटिव, घर का अड़ोस पड़ोस कोई भी हमारे घर पे आता जाता था, किसी को नहीं पहचानता था। तो कैसे पहचान करवाया, मैंने कभी सोचा भी नहीं था मेरा बच्चा हमें पहचानेंगे, अपना पापा को पहचानेंगे, मतलब हमारा रिश्तेदार को, घर का आसपास लोगों को पहचानेगा। लेकिन एक टाइम के बाद एक्टिविटी कर कर के फिर फाइनली मेरा बच्चा पहचान लिया, मैं उसकी मामी हूँ, फिर मुझे बोलने लग गई, बुलाने लग गई। तो कैसे मैंने सिखाया उसके ऊपर मैं एक्टिविटी करके दिखा रही हूँ। आप लोग प्लीज़ शुरू से लास्ट तक देखना, तब आपको पता लगेगा कैसे अपना बच्चों के साथ कराएंगे। और काफ़ी पेरेंट्स का रिक्वेस्ट है, मम्मी पापा को बच्चा पहचानता नहीं है, तो कैसे मैंने कराया उसके ऊपर वीडियो काफ़ी पेरेंट्स मांगा, तो वो एक्टिविटी आज मैं शेयर कर रही हूँ। तो फास्ट क्या करना है पेरेंट्स, फास्ट घर में जो लोग आता है और पड़ोस के लोग, रिलेटिव जो लोग हैं, फिर अपना घर में जितना मेंबर है सबका फ़ोटो निकालना है। तो सबका फ़ोटो निकाल के फिर फ्लैश कार्ड जैसे बना लो। तो देख लीजिए मैंने कैसे कराया था, उस टाइम की सारे फ़ोटो मेरे पास अभी भी है। तो देख लीजिए पेरेंट्स कैसे करवाया मैंने अथर्वा के साथ। अब जो पिक्चर का फ्लैश कार्ड बनाएंगे, ये मैंने फ़ोन से पिक्चर खींचा था, किसी का फ़ोन से पिक्चर खींच के फिर मैं नेट से निकाला था, मतलब कंप्यूटर की दुकान से निकाला था। तो ये थोड़ा सा बड़ा साइज से निकाला है, तो बच्चे को पहचानने में, आइडेंटिफाई करने में आसान होता है। तो ऐसे पिक बना के, जैसे मेरे दीदी का, फिर मेरे दीदी का बेटी मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है, अथर्वा है, फिर और भी पड़ोसी से दो लोग आता था हमारे घर में ज़्यादातर, तो उनका भी फ़ोटो था। तो उनका फ़ोटो अभी हमारे पास नहीं है, तो उनका परमिशन के बगैर हम YouTube में शेयर नहीं कर सकते, इसलिए उनका फ़ोटो मैं नहीं दे सकती हूँ। तो मेरा घर का जो मेंबर है सबका फ़ोटो मैंने ऐसे ही दे दिया। तो कैसे करवाया, ऐसे फ्लैश कार्ड बना के मैं बेड के ऊपर रख के मैं रोज़ रोज़ 5 मिनट के लिए, ज़्यादा टाइम नहीं, 5 मिनट्स या 2 मिनट्स भी आप कराओ रोज़, मतलब रोज़ कराना है, 5 मिनट्स हो, 2 मिनट्स हो, 3 मिनट्स हो, 1 मिनट्स हो, रोज़ कराना है। तो मैं रोज़ कराती थी 5 मिनट्स, ऐसे मैं दिखाती थी, ए मासी है अथर्वा, अथर्वा ए मामा है अथर्वा, ए दीदी है, ये पापा है बेटा, ये अथर्वा है। पहले मैं हूँ ये नहीं सिखाया, पहले मैंने ये सिखाया ये अथर्वा है। तो ऐसे करके रोज़ ऐसे पहचान करवाया। 2 महीना ऐसे करने के बाद, 2 महीना के बाद मुझे लगा उसके साथ साथ हाइपर एक्टिविटी और दूसरे एक्टिविटी मैं करती थी, आई कॉन्टैक्ट एक्टिविटी, फिर सेंसरी इशू की जो प्रॉब्लम था उसके एक्टिविटी करती थी। तो 2 महीना बाद जब मैं रेगुलर ऐसे दिखाने के बाद जब मैंने उसको बोला अथर्वा मासी का पिक दिखाओ बेटा, मासी का है, मासी का पिक दिखाओ, फिर ऐसे मेरा बच्चा एक दिन दिखाने लगा। तो जिस दिन फिंगर पॉइंट करके मेरा बच्चा दिखाया हम सब की पिक, उस दिन ऐसे लगा मतलब पूरा दुनिया की खुशी मेरे मुट्ठी में आ गया। उसके बाद फिर जब मैंने पूछा मामा का पिक दिखाओ बेटा, फिर पापा की पिक दिखाओ बेटा, अथर्वा कहाँ है दिखाओ बेटा, दीदी कहाँ है दिखाओ, उसके बाद ऐसे 2-3 महीना करने के बाद जब मैंने फिंगर पॉइंट करने के लिए बोला तब ऐसे फिंगर पॉइंट करने लग गए मेरा बेटा। उसके बाद फिंगर पॉइंट के बाद मैं हाथ ऐसे रख के उसके सामने नहीं रखेंगे, हाथ मैं अपने पास रखेंगे और उससे मांगेंगे अथर्वा पापा का पिक दे दो, अथर्वा अथर्वा की पिक दे दो,
दीदी की पिक दे दो, फिर मामा का पिक दे दो, मासी की पिक दे दो। हाँ ऐसे करके पिक मांगा, फिर पिक देने लग गई। उसके बाद फिर क्या करना है, ये काम दिया था इस पीस थेरेपिस्ट। उसके बाद फिर क्या करना है, बच्चे को मिरर के सामने लेके जाना है। बच्चे के लिए सबसे मुश्किल काम था अथर्वा के लिए मुझे पहचानना, क्योंकि एक्टिविटी मैं कराती थी और मैं इसको देखभाल करती थी। सबसे फास्ट काम था जो बच्चा मामा को पहचाने। तो उस टाइम मैं क्या करती थी, ये भी मतलब स्पीच थेरेपिस्ट ने बोला था जे मिरर के सामने दोनों को पिक लेके जाओ और बच्चे को भी साथ में ले लो। फिर अथर्वा के ऊपर अथर्वा की पिक और मेरे ऊपर मेरे पिक। तो मैं फिर अथर्वा को ऐसे बोलती थी, देखो अथर्वा ये मामा है और देखो ये भी मामा है, ये भी मामा है और ये भी मामा है, देखो। फिर अथर्वा के साथ में ऐसे फेस के पास रख के फिर मैं बोलती थी ये अथर्वा है, ये अथर्वा है। उस टाइम क्या अथर्वा खुद को नहीं पहचानता था, मामा को ऑल टोटल किसी को नहीं पहचानता था। अथर्वा ऐसे था जे मैं इसको खाना खिलाती हूँ, बस मेरे से खाना खाना है, मेरे साथ लेटना है बैठना है, ये नहीं पता था मैं इसकी माँ हूँ। तो ऐसे करके मैं रख के फिर मैं एक एक करके मैं ये मामा है, ये मामा है, फिर मिरर में वो देखने लग गए बच्चे, मिरर में खुश होके दिखता है। तो ये भी करना होता है, तो आप लोग भी ऐसे कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट चलिए फिर क्या किया मैंने, फिर स्पेशल एडुकेटर क्या दिया था, ऐसे स्पेशल एडुकेटर ने बताया था। तो उस टाइम अथर्वा मतलब अल्फाबेट लिखना सीख गया था, लेकिन अथर्वा मामा को नहीं पहचानता था। तो मतलब इतना वो नहीं था जे अथर्वा की स्पेलिंग पढ़ ले, मामा का स्पेलिंग पढ़ ले। तो फिर भी स्पेशल एडुकेटर को मैंने बोला था, उसको तो पढ़ना नहीं आता है, तो बोल रहा है वो ना ये देख के ही उसको, अगर रोज प्रैक्टिस कराओगे तो उसको ये राइटिंग का स्टाइल देख के बच्चा कैच कर लेता है कौन मामा है कौन पापा है। फिर ऐसे पिक लगाया, मतलब आप दूसरी टाइप की भी, आप मामा का भी पहले लगा सकते हो। मैंने जैसे पहले पापा की लगाया, फिर अथर्वा की लगाया, फिर मेरा लगाया, और नाम भी ऐसे ही थोड़ा उल्टा पलटा करके लिख के फिर मैचिंग। फिर ये क्या करना है, देवाल में लटका के रखना है, हैंगिंग करके देवाल में लटका के रखना है। और पेंसिल से मैचिंग नहीं करना, फिंगर से मैचिंग करना है, क्योंकि पेंसिल से आप मैचिंग कराओगे तो फिर पेंसिल का निशान हो जाएगा। फिर अथर्वा को ऐसे मैं बोलता था, ये देखो ए फॉर अथर्वा, एम फॉर मम्मा, पी फॉर पापा, तो पी फॉर पापा, ए फॉर अथर्वा, एम फॉर मम्मा। तो ऐसे रेगुलर प्रैक्टिस कराओगे तो फिर बच्चा अगर आई कॉन्टैक्ट ना दे, फिर क्या करना है, उसको गाल पे हाथ रख के उसको कोशिश करना है नीचे दिखाने के लिए। तो ये अगर देवाल पे लटका के रखोगे तो बच्चा ऊपर देखता है। तो मैं ये देवाल पे हैंगिंग करके रखता था, कम से कम एक साल मैंने ऐसे करके रखा था। तो जब वो आइडेंटिफाई मुझे करने लग गई, तब जाके मैं फिर ये एक्टिविटी बंद कर दिया। तो ऐसे अगर रोज़ बच्चों से मैचिंग कराओ, जे मामा का है ये है, मम्मी ये है, अथर्वा ये है, पापा, ऐसे रोज करने के बाद फिर एक दिन मैं उसको, मतलब जब मुझे आइडिया हो जाए जे अभी शायद अथर्वा खुद से करने लगे, फिर मैं बोलती थी मामा को मैचिंग करो, मामा के पास मामा को ले जाओ। हाँ फिर जिस दिन ऐसे मैचिंग करने लग गई, उस दिन तो लगा दुनिया की पूरा खुशी, बाप रे बाप, इतना खुश हुआ था मैंने। फिर पापा को पापा के पास ले जाओ। आप लोग भी ऐसे ही एक्टिविटी कराइए, छोटा छोटा इम्प्रूवमेंट जब मिलता है तब लगता है भगवान सारे खुशी मेरे झोली में डाल दिया, तब ऐसे लगता है जी नहीं मैं कराऊंगी, जितना भी मुश्किल हो जितना भी मेहनत हो मैं करा के फिर इम्प्रूवमेंट लाएंगी। फिर अथर्वा अपने आप को मैचिंग करो बेटा, तो ऐसे किया। तो ऐसे करने के बाद फिर क्या है, तब भी अथर्वा ना मेरे को अगर कोई बोलता था, ये सारे एक्टिविटी करने के बाद भी कोई अगर बोलता था अथर्वा मामा के पास जाओ, या तो अथर्वा मामा का है, मतलब पिक में दिखा देता था, रियल जो मैं उसकी मामा हूँ वो नहीं फिर दिखा पाता था। मतलब पिक में पहचान हो गया, रियल में मुझे नहीं पहचानता था, मैं उसके सामने खड़ा हूँ तो मुझे बुलाता भी नहीं था। और कोई अगर बोले मामा के पास जाओ तो वो दूसरी तरफ जाते थे, उसको नहीं पता था मैं उसकी मामा हूँ। फिर ऐसे फ्लैश कार्ड बनाना है स्पेलिंग की, मामा पापा और अथर्वा, ऐसे फ्लैश कार्ड बना के फिर मैंने ऐसे रखती थी बेड के ऊपर।
फिर मैं इसको फोटो रखने के लिए कहती थी, इशारे स्पेशल एडुकेटर ने बताया था। फिर मैंने उसको बोलता था मामा का लिखा हुआ है, मामा के ऊपर मामा का पिक लगाओ, पापा के ऊपर पापा का पिक लगाओ, अथर्वा के ऊपर अथर्वा का पिक लगाओ। हाँ, तो ऐसे करके फिर स्पेलिंग पे, और उस टाइम ना अथर्वा की ये पता नहीं था स्पेलिंग, आप लोग सोचेंगे तो पढ़ना नहीं आता है तो कैसे। मुझे लगता है पी का जो डिजाइन है नक्शा देख के, रोज बच्चे को अगर ऐसे बोलते रहो ये पापा है, ये मम्मा लिखा हुआ है, ये अथर्वा लिखा हुआ है, तो मुझे ऐसे लगता था जब स्पेशल एडुकेटर बोला था ऐसे नाम लिख के मैचिंग कराओ और नाम लिख के फोटो के साथ फोटो को ऊपर रखने के लिए बोलो, तब मुझे लगता था मेरे बच्चा पहचानता नहीं है, स्पेलिंग करना नहीं आता तो कैसे उसको पता लगेगा ये पापा लिखा हुआ है। तो रोज प्रैक्टिस करने के बाद मुझे ऐसे लगता था, जो मेरा नॉलेज है वो मैं आप लोग के साथ बोल रही हूँ, मुझे लगता था पी का जो डिजाइन जो नक्शा है वो देख के शायद वो याद रखता था ए पी पर ए पापा है। एम का डिजाइन देख के मैंने पहले तो हाथ पकड़ के ऐसे हाथ पकड़ के जैसे मामा लिखा हुआ है बेटा पकड़ो, मामा कैसे सिखाया था ऐसे मामा लिखा हुआ है, तो मैं ऐसे बोलता था मामा के ऊपर मामा को स्पेलिंग रखो, पापा के ऊपर पापा का स्पेलिंग रखो। तो ऐसे मुझे लगता है दो तीन महीना करने के बाद बच्चे को फिर शेप का डिजाइन देख के शायद नॉलेज आ जाता है जे पी मतलब ये पापा, पापा के ऊपर रखना है, एम मतलब मामा, मामा के ऊपर रखना है, ए मतलब अथर्वा। तो ऐसे करके फिर अथर्वा आइडेंटिफाई करके बोल देता था। तो फिर रियल कैसे पहचान करवाया, ये तो पिक्चर से जब पहचान हो गया उसके बाद फिर, और आप जो पिक्चर फ्लैश कार्ड बनाओगे वो अपना घर में जितने लोग हैं सबका बनाना है, और आपका घर में जो अड़ोस पड़ोस के लोग आता है उसका भी बनाना है। अगर आप अपना रिलेटिव का बनाना चाहते हो वो भी आप बना सकते हो, मतलब जितने लोगों को बनाओगे उतना जल्दी उन लोगों को पहचान हो जाता है। तो अथर्वा को ऐसे मैंने पहचान करवाया, और उसके बाद क्या है रियल मेरे को कैसे पहचान करवाया वो मैं बता रही हूँ। फिर मैं क्या करती थी, आपको मतलब समझ लेना है, अथर्वा तो उस टाइम छोटा था तो पीछे जैसे मैं बैठा हूँ वहाँ पर पीछे मैं ही नहीं होता था, वहाँ पर दूसरा कोई थर्ड पर्सन दूसरा कोई लोग होता था, जैसे मेरा दीदी होता था या तो उसकी पापा होता था, मतलब दूसरा कोई, या तो मेरे पड़ोसी से मैं किसी को बुला लिया तो वो उसको ऐसे पास में गोदी में लेके अथर्वा के कान के पास ऐसे रखती थी। और ये सपोज सोच लीजिए ये मैं ही हूँ, मैं इधर सामने खड़ा हूँ अथर्वा के सामने, अथर्वा की तरफ बैक करके मैं खड़ा हूँ, मतलब मेरा पीछा अथर्वा की तरफ होगा, तो ऐसे मैं खड़ा हूँ और जो अथर्वा के पीछे रहता था वो उसको अथर्वा को बोलता था चलो चलो, वॉक करके लेके जाता था चलो चलो हम मामा के पास जाता है, ये देखो मामा है। फिर जब वो मतलब अथर्वा के पीछे वाला जो इंसान वो बोलता था मामा मामा, फिर मैंने दो तीन बार बोलने के बाद मैं मुड़ के देखता था, तब जाके वो मुझे बोलता था चलो, अथर्वा को बोलता था अथर्वा चलो चलो मामा के पास जाए, तो मैं ऐसे सामने रहता था फिर अथर्वा से फिंगर करके ऐसे देखा ना पड़ता था ये देखो मामा है। तो ऐसे दो तीन महीना करने के बाद फिर जब कोई बोलता था जे अथर्वा मामा का है मामा के पास जाओ, तो मैं अगर किचन में हूँ तो उसको मासी बोलता था अथर्वा चलो चलो हम मामा के पास चलते, तो अथर्वा को पकड़ के लेके जाके फिर मैं किचन में काम कर रही हूँ तो ऐसे फिंगर करके उसका मासी दिखाती थी, बोलती थी जे ये मामा है, या कोई तीसरा, मतलब किसी को ना किसी को हेल्प लेना है। तो वो जाके फिर उसका जो मेशो था तो वो काफ़ी हेल्प किया था मेरे को, मतलब ऐसे काम के लिए जब थर्ड पर्सन चाहिए तो अथर्वा की मेशो मुझे हेल्प करता था। तो अभी जब मैं ऐसे किचन में रहती थी अथर्वा जाके फिर अथर्वा को लेके जाके बोलती थी ये मामा है चलो चलो हम मामा के पास चलते, ऐसे दो तीन महीना करने के बाद। और उसके साथ साथ बाकी जो कुछ एक्टिविटी होता है जैसे आई कॉन्टैक्ट एक्टिविटी, हाइपर एक्टिविटी, फिर सेंसरी प्रॉब्लम की इशू की एक्टिविटी, ये सारे एक्टिविटी करना पड़ता है, फिर जाके बच्चे को थोड़ा इम्प्रूवमेंट आता है, तब जाके बच्चे को अगर बोलो ऐसे पहचान कराओ फैमिली का मेंबर को, फिर पड़ोसी को, लोगों को बुलाओगे तो फिर बच्चे को फिर ले जाओगे और बच्चा फिर मतलब दिखा सकता है। फिर एक दिन क्या हुआ, ऐसे रोज़ कोई बोलता था जो अथर्वा मामा के पास चलो, फिर अथर्वा एक दिन अथर्वा को छोड़ के, फिर बच्चे को क्या है थोड़ा सा टाइम भी देना पड़ता है, फिर
जैसे उसका पापा ने बोला मामा का है, मामा के पास जाओ, तो फिर क्या हुआ, काफी देर बाद वो इधर उधर देखते रही। फिर काफी देर बाद अथर्वा फर्स्ट टाइम जिस दिन मेरे पास गया, तो उस दिन ऐसे लगा था शायद मेरा बच्चा मामा भी बोलने लगेगा। तो अथर्वा के फर्स्ट मुझे ऐसे करके 6 महीना बाद ये एक्टिविटी करने की 6 महीना बाद अथर्वा मुझे जाके रियल मेरे को दिखाया फिंगर पॉइंट करके 6 महीना बाद। उसके बाद जब अथर्वा की 4 ईयर्स एज हुआ तब अथर्वा मामा बोलने लग गई। तो मामा बोलना कैसे सिखाया, अथर्वा की पीछे ऐसे कोई रहता था और सामने मैं खड़ा रहती थी, वो बोलता था मामा मामा, फिर मैं रिएक्शन करके पीछे मुड़ के बोलता था यस बेटा बोलो क्या हो गया, तुमने मामा को बुलाया। फिर आके अथर्वा के ऊपर ऐसे हाथ रख के मैं बोलता था अथर्वा तुम मामा को बुलाया। तो ऐसे करके अथर्वा को फिर पहचान करवाया। अगर ऐसे आप लोग भी करोगे तो एक दिन में नहीं आएगा, काफ़ी लंबा टाइम लगता है, मतलब 2-3 महीने में भी आपको पेशेंस नहीं छोड़ना। आप अगर पीछे पड़ा रहोगे तो एक दिन न एक दिन बच्चा सीख ही जाता है। तो ऐसे करके अथर्वा को पहचान करवाया। फिर जब अथर्वा 4 ईयर्स हो गया तो तब जाके फिर अथर्वा मुझे मामा बोलने लग गई। तो उस दिन तो ऐसे लगा था भगवान इतना, मतलब उस दिन फील हुआ था नहीं हम बहुत कुछ कर सकते अगर बच्चा मुझे बुलाने लग गई। मुझे मैंने कभी सोचा भी नहीं था मेरा बच्चा मुझे मामा बोलेगा। जिस दिन फर्स्ट टाइम अथर्वा मुझे मामा बोला था उस दिन की बात मुझे अभी भी याद है। मैं इतना रोया था उसकी मुँह से मामा सुन के, तो मैं सोच भी नहीं सकती थी मेरा बच्चा मुझे मामा बोलेगा। मतलब मुझे कोई उम्मीद ही नहीं था जो वो मुझे पहचानेगा, मुझे मामा बोलेगा, क्योंकि इस लेवल पे अथर्वा था मैं कभी उम्मीद ही नहीं किया था। मैं एक्टिविटी ज़रूर कराती थी, पूरा दिन उसको बिजी रखती थी, मैं पूरा अपना जीजन लगा देती थी, लेकिन मुझे भरोसा नहीं था जो मेहनत करने से, एक्टिविटी करने से बच्चा इस लेवल पे आ सकता है। तो मैंने मेहनत किया, बाद में जब धीरे धीरे मतलब रिजल्ट अच्छा मिलते रहे तब मुझे रियलाइज हुआ नहीं मेहनत करने से ज़रूर फल मिलेगा। अभी भी मैं इसलिए कोशिश करती हूँ। तो पेरेंट्स मेरा वीडियो ऐसे मैंने अथर्वा को किया है, मतलब ऐसे ही अथर्वा पहचान नहीं लिया जो एक्टिविटी कराया और अथर्वा को पहचान आ गई, मम्मा है पापा है बोलने लग गई, नहीं। हर एक एक्टिविटी स्पीच की पहचान करवाने की, आइडेंटिफाई करवाने की, हर एक चीज़ ऑब्जेक्ट से लेके शुरू करके, लोगों को लेके शुरू करके, कोई जगह पे जाना, हर एक जगह की पिक मैं ले लेती थी जो जगह पे अथर्वा को रोज़ लेके जाती थी, जैसे पार्क, मंदिर, मार्केट, पड़ोसी का घर, हर एक जगह की पिक लेके फिर मैंने उससे पहचान करवाती थी। तो ऐसे करके अथर्वा पहचान किया। अभी तो अथर्वा कोई नया चीज़ हो, कुछ भी हो, एक दो बार कराओगे तो अथर्वा कर लेता है। तो भगवान करे आपका बच्चा भी, आप सबका बच्चा भी मामी पापा लोगों को पहचान करवा ले। बेटा और 2 मिनट बैठो, सुना बच्चा ना मामा की, अभी सो जाएंगे है ना, हम डिनर कर लिया। तो अथर्वा भी परेशान हो रहा है, उसको अभी नींद आ गया होगा क्योंकि 2 घंटा हाइपर एक्टिविटी किया, 5 o'clock से लेके 7 o'clock तक मेरा बच्चा अभी भी 2 घंटा हाइपर एक्टिविटी करता है। उसमें क्या होता है, अटेंशन लेवल कभी डाउन नहीं होता है। बीच में एक बार मैंने हाइपर एक्टिविटी करना छोड़ दिया था तो फिर देखा थोड़ा सा ऐसे लगता है बिहेवियर की प्रॉब्लम फिर से आने लग गए। तो मैंने सोचा जब तक अथर्वा तो अभी बिग हो गई तो मुझे ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ता है, मैं सिर्फ बैठ के उसको बोलती रहती हूँ ये वाला करो, वो वाला करो, वो वाला करो, तो अथर्वा कर लेता है। तो पेरेंट्स आप लोग भी बच्चों के साथ करते रहिए तो आपका बच्चा भी अथर्वा से आगे जाए। तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसे लगा। और ये मैं गारंटी देती हूँ अगर आप लोग ढंग से और ठीक से अगर मेहनत से एक्टिविटी कराएंगे तो आपका बच्चा भी ज़रूर बोलेगा, ज़रूर आइडेंटिफाई करेगा, हर एक चीज़ पहचानेगा। अगर पहचान कराने की ज़रूरत है, बिना पहचान करवाने से ये ऑटिज्म बच्चे सीखता नहीं है। अगर सिखाएंगे तो ये बच्चा भी बहुत कुछ सीखता है, बहुत कुछ कर सकता है, जो अभी मुझे लगता है जो हम कराएंगे तो बहुत कुछ करेगा। इसलिए प्लीज़ पेरेंट्स आप लोग भी करते रहिए। तो आज यहाँ तक न्यू वीडियो में, फिर न्यू एक्टिविटी लेके फिर आप लोग के साथ मिलती हूँ। और जो पेरेंट्स रिक्वेस्ट किया था वीडियो के लिए, प्लीज़ आप लोग देख लीजिए और एक्टिविटी कराइए, आपका बच्चा भी ज़रूर पहचानेगा। थैंक यू सो मच, बाय टाटा, बाय टाटा।